दोस्तों आज से ट्रैक इन टेक चैनल पे आप एक चीज थोड़ा अलग देखेंगे। अभी से हम ज्यादा वीडियो हिंदी में करने वाले हैं। पहले बहुत सारे वीडियोस हम इंग्लिश में भी करेंगे, लेकिन हमें बहुत सारे कमेंट और फीडबैक आए हैं कि ज्यादा लोग हमारे चैनल पे हिंदी जानने वाले हैं, जिनको हिंदी ज्यादा पसंद है। तो हम आपने पूछा और हमने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश बंद करेंगे, हम इंग्लिश भी चालू रखेंगे, लेकिन हिंदी वीडियोस अब ज़्यादा आएंगे। पहले हम कभी कभार करते थे, अभी हम रेगुलरली हिंदी वीडियोस भी आप तक पहुंचाएंगे। और अब अपने मेन टॉपिक पर, जियो बहुत सारे ऑफर्स लेके आया है पिछले 6-8 महीने 1 साल में, और अभी तक ऑफर्स ही चल रहे थे। हम सब फ्रीली डेटा यूज़ कर रहे थे, हम सब फ्रीली कॉल्स कर रहे थे, लेकिन अब जियो ने उनके जो स्टैंडर्ड रेगुलर प्लान्स हैं वो अनाउंस किए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। दोस्तों अब तक जियो के जो पोस्टपेड प्लान्स थे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मालूम नहीं थी। हाँ, जियो के वेबसाइट पे कुछ प्लान्स दिए हुए थे, लेकिन उसके डिटेल्स अब थोड़े चेंज हो गए हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं अभी वो चेंज हो गए हैं। पोस्टपेड में अब सिर्फ तीन प्लान्स हैं, 309, 509 और 999। सो सबसे पहले 309 प्लान में क्या आता है। 309 प्लान जो है उसमें आपको 1 GB डेटा एवरी डे, मतलब हर दिन आपको 1 GB डेटा मिलेगा, मतलब महीने का जो साइकिल है 30 दिनों का। प्रीपेड का 28 डेज का होता है, पोस्टपेड के लिए आपको 30 दिन का साइकिल होता है, मतलब 30 GB आपको मिलेगा। ये डिफरेंस है प्रीपेड और पोस्टपेड में। और ऑफ कोर्स आपको पेमेंट भी बाद में करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी खबर है। जब आप 309 का जो पहला रिचार्ज करेंगे या फिर पहला साइकिल होगा आपका, उसमें आपको 3 महीने का मिलेगा, मतलब 309 रुपये आप पे करेंगे और आपको 90 दिन तक 1 GB एवरी डे फ्री मिलता जाएगा। और ऑफकोर्स रोमिंग, उसके साथ में कॉलिंग, फ्री कॉलिंग सब आपको मिलेगा, उनके जो ऐप्स हैं वो भी उसके साथ में आपको मिलेंगे। दूसरा प्लान है 509 का, उसमें भी पहले साइकिल में जब आप 509 पे करेंगे या फिर आप सब्सक्राइब करेंगे 509 के प्लान के लिए, आपको 90 दिन तक 2 GB रोज मिलेगा, मतलब 180 GB आपको यूज करने को मिलेगा पूरे 90 दिन तक। और उसके बाद के जो साइकिल्स हैं वो एक एक महीने के ही होंगे, जिसमें आपको 60 GB मिलेगा, 2 GB FUP होगा डेली, प्लस कॉलिंग, रोमिंग, ऐप्स वगैरह वो सब भी साथ में मिलेंगे ही। और जो तीसरा प्लान है वो उन लोगों के लिए जिनको दिन का FUP नहीं चाहिए। सो 999 का जो प्लान है उसमें डेली FUP नहीं होगा डेटा के लिए, उसमें आपको पहला जो साइकिल होगा उसमें 180 GB 3 महीने के लिए आपको मिलेंगे। उसमें पूरे 90 दिन में आप कैसे भी यूज़ कीजिए, एक दिन 10 GB यूज़ कीजिए, दूसरे दिन बिल्कुल ना यूज़ कीजिए, कुछ भी उससे डिफरेंस नहीं होता है। 180 GB 90 दिन के लिए आपको मिलेंगे 999 वाला जो प्लान है उसमें। उसके बाद के जो साइकिल्स है उसमें आपको महीने का 60 GB मिलेगा, अगेन नो FUP फॉर द डे। तो ये थे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट जियो। मेरे हिसाब से जियो के प्लान्स अभी भी सबसे अच्छे हैं। BSNL का AAA एक प्लान है, प्रीपेड प्लान 333 रुपीज़ का, जिसमें आपको 3 GB डेटा पर डे मिलता है, मतलब महीने के 28 डेज में आपको 3 GB एवरी डे यूज़ करने मिलते हैं। वो एक प्लान शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन याद रखिए BSNL का स्पीड 3G है और 4G नहीं है, लेकिन BSNL का कवरेज भी अच्छा है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं जिधर जियो का कवरेज नहीं है, तो शायद आप BSNL के प्लान्स सोच सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जियो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनके प्लान सबसे अच्छे हैं। आप अगर कोई सवाल है आपको तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। अगले वक्त तक के लिए।